तो हेलो भाई लोग, देख सकते हैं आज मेरे पास ये रेडमी का 11 मॉडल, रेडमी का नोट 11 जो है, नोट 11 11 प्रो मैक्स जो 5G मॉडल है, सबका मेथड इसका सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो इधर एक प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते हैं आप लोगों में प्रॉब्लम मान सकते हैं इसको, लेकिन ये एक फोन का फीचर होता है, देख सकते हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए दिया हुआ होता है। तो देख सकते हैं इधर मैं Assistant, कुछ भी दबाता double तो tap इधर on जो a है red उसके for बारे play में डिटेल्स store, दे रहा है। ठीक है, तो ये double एक्चुअली tap to ब्लाइंड लोगों के लिए activate, है, double ये आप tap लोगों के लिए hold to काम का long नहीं है। press, अगर गलती से आप लोगों का ऑन हो गया है तो आप लोग इसको ऑफ कर सकते हैं। कैसे करना है वही मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो इधर देख सकते हैं, तो इधर आप सिंगल gallery, फिंगर voice से search button, जो है आपका कुछ accessibility, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, system launcher, आप लोगों को इसको सेटिंग में जाने accessibility के लिए volume देख set to सकते हैं 85, capital B. ये कुछ भी काम नहीं कर रहा सिंगल हाथ से। तो आप लोगों को इसको सेटिंग में जाने के लिए टू फिंगर से आपको स्क्रॉल करना है, और इधर आप लोगों को सेटिंग आइकॉन दिखेगा, उस पर सिंगल टैप करना है, फिर डबल टैप करना है, तो ऐप आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इधर भी आपका सिंगल फिंगर से वर्क नहीं करेगा, आप लोगों को ऐसे टू फिंगर से स्क्रॉल करना है। करने के बाद एडिशनल सेटिंग जो दिख रहा है इसके अंदर आपको सिंगल टैप सिलेक्ट, डबल टैप ओपन, तो फिर आपको स्क्रॉल करना है। इधर आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी दिख जाएगा, सिंगल क्लिक सिलेक्ट, डबल क्लिक ओपन। तो इधर आने के बाद आप लोगों को ये जो हियरिंग वाला सेक्शन है, ये विजन वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर ही आप लोगों को ये सेटिंग मिल जाएगा। तो टॉक बैक लिखा हुआ है, आपको सिंपल इसको एक बार टैप करके सिलेक्ट करना है, दो बार में ओपन। तो इधर से आपको सिंपली ये जो ऑप्शन है यूज टॉक बैक, इसको आपको सिंगल टैप सिलेक्ट, डबल टैप ऑफ करके स्टॉप कर देना है। तो देख सकते हैं फुल्ली हमारा फोन जो है वो झंझट से निकल चुका है। तो वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।